राधे, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ मैं ठाकुर जी की कृपा से आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अब तक मैंने आपको धनु राशि तक का मंत्री राशि फल के बारे में बताया है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मकर राशि की जानकारी। क्या खास है फरवरी के महीने में मकर राशि वाले जातकों के लिए, क्या खुशखबरी लेकर आ रहा है, कौन से समय उनको ध्यानपूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है, सोच समझ कर कार्य करने की आवश्यकता है, व्यापारिक जीवन उनका कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, लव लाइफ कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा और विद्यार्थी वर्ग के लिए क्या विशेष है फरवरी के महीने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले आपके व्यवसाय के बारे में। व्यवसाय आपका बेहतर रहेगा, पर आपको एक सलाह दी जाती है, मंथ के प्रारंभ में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कुछ छोटी मोटी बातों को लेकर आपका कार्यस्थल पर तर्क वितर्क की वजह से विवाद हो सकता है, तो आपको हो सके तो छोटी मोटी बातों को अवॉइड करने की सलाह दी जाती है ताकि ये विवाद बढ़े ना और आगे जाके आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। बाकी मंथ के मध्य के बाद आपको इसमें कुछ ऐसे अवसर प्राप्त होंगे या कह सकते हैं अगर आप लोहे काम या तेल से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो आपको इसमें मन वांछित लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। इसी कार्य में आपको आगे जाके मान प्रतिष्ठा या पदोन्नति के भी अवसर प्राप्त होंगे। समाज में आपकी एक अलग मुकाम हासिल होगा, एक अलग छवि आपकी उभर कर सामने आएगी समाज में, जिससे आपकी मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होने के योग बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। आपका स्वास्थ्य को भी अगर आप ध्यान दें, हो सकता है कि आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा आप परेशान रह सकते हैं, पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि हो सकता है आपको मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान न देने की वजह से आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो यही सलाह है, अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए। पारिवारिक थोड़ा वातावरण आपका उतार चढ़ाव रहेगा, तनावपूर्ण हो सकता है, पर मंथ के लास्ट तक आते आते सारी परेशानियाँ सुलझती हुई और हर कार्य में आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यह महीना तनावपूर्ण थोड़ा रह सकता है, या ये कह सकते हैं जिन जातकों की संतान अगर उच्च शिक्षा के लिए, जो जातक मकर राशि के हैं अगर उनकी संतान उच्च शिक्षा की तैयारी कर रही है तो हो सकता है उनकी तरफ से आपको थोड़ा निराशाजनक समाचार मिल सकते हैं, पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर कार्य को अगर आप निराशा मिलती है तो आपको आगे आपको आशा नहीं मिल सकती, हर निराशा में कोई आशा छुपी होती है। तो यही कहूँगी, इस छोटी छोटी बातों को आप मन पर ना लगाएं या तनावपूर्ण अपने घर का माहौल खराब मत कीजिए, पर अगर ऐसा कोई बात होती है तो आपको बहुत धैर्य से हर कार्य को समझने की, अपने संतान को समझने की आवश्यकता है। और अगर किसी बात को लेकर आप ज़्यादा तनाव में जाते हैं तो उससे आपके ही स्वास्थ्य को परेशानी होगी और आपके ही परिवार का वातावरण खराब होगा। तो इसीलिए आपको यही सलाह दिया, हर कार्य को धैर्य से सोच समझ कर करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर यह जो महीना रहेगा आपके लिए मिला जुला फल रहेगा, पर महीने के लास्ट तक जाते जाते आपको हर वो मुकाम मिलने के योग बन रहे हैं, हर वह खुशी मिलने के योग बन रहे हैं जिसके लिए आपने अब तक बहुत कड़ी मेहनत करी है। जो आप हर तमन्ना रखते थे, चाहे व्यवसाय में हो चाहे परिवार में हो, हो सकता है अपने परिवार की इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप कहीं बाहर यात्राओं के लिए भी जा सकते हैं या कोई मांगलिक कार्य करने की भी योजना बना सकते हैं। तो ये था मकर राशि वालों का मंथली राशि फल फरवरी के महीने का। क्या खास करना चाहिए आपको? आपको शनि मंदिर जाकर दीपदान करना चाहिए, हो सके तो शनिवार के दिन छाया दान कीजिए, अपनी सरसों का तेल में अपनी छाया देखकर उसका दान कीजिए। हो सके तो किसी कोड़ी को या किसी गरीब को या शूद्र को अपना सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य कीजिए, जिससे आपकी शारीरिक परेशानी या व्यवसाय में को उतार चढ़ाव आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उससे आपको निजात मिले। और कंटिन्यू ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अगर आप करते रहते हैं तो आपको हर परेशानियों से निजात मिलेगी और हर परेशानियों से उभरने में आपको सहायता मिलेगी। ये थे मकर राशि वालों के लिए मंथली राशि पर विशेष जानकारी।
अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो उसके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, औरों तक भी ये जानकारी पहुंचाइए। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इसी के साथ आपकी एक्स्ट्रो आपकी सलाहकार आपसे आगे लेती है। राधे राधे।